गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पत्र करेंगे। व्याकरण में पत्र और अनुच्छेद का बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें ये आवश्यकता नहीं होती कि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वैसा ही लिखें। पत्र के अंदर हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, जिस के आधार पर या फिर जिसे हम पत्र लिख रहे होते हैं उसे, और क्या कहा गया है पत्र में, कौन सा पत्र लिखना है, ये बातें सिर्फ हमें अपने ध्यान में रखनी होती है और इसी के आधार पर हम पत्र लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पत्र बोला गया शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। मैं आपके लिए पत्र जो भी होंगे आपके, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपके यही पत्र आए, इसके अलावा भी कोई अलग पत्र आ सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, चाहे कोई भी पत्र आए आप उसको कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। तो देखिए, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, शुल्क होता है जो पैसे हैं, फीस हैं, तो फीस माफ़ी, शुल्क मुक्ति, फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राष्ट्र भारतीय स्कूल अशोक नगर दिल्ली। यहाँ पे जो भी ये पता लिखा है आप यहाँ पर अपने विद्यालय का पता लिखेंगे, क्योंकि आपको अपने स्कूल से शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होगा, तो आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, क्योंकि आपकी जो प्रिंसिपल मैम है ना, आपके विद्यालय में जो प्रधानाचार्य हैं वो कैफीमेन हैं, ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, या फिर आप लिखोगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। फिर आप नीचे लिखोगे एड्रेस कहाँ का है आप उस विद्यालय का, यानी कि आपके अपने विद्यालय का आप पता लिखेंगे। सिविन्यू इंटरनेशनल स्कूल कहाँ पर है ये, जिंदपुर, जिंदपुर कहाँ है, दिल्ली, दिल्ली, फिर दिल्ली का नाम, जो भी जितनी भी दिल्ली में है ये 34, 35, 36, 40 जितनी भी दिल्ली पड़ती है आपकी स्कूल की, आप वो वहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। तत्पश्चात आप नीचे लिखोगे विषय, ये क्या विषय रहा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता कितनी दिल्ली है तो आप दिल्ली का वो वाला छोड़ सकते हो कोड, अगर आपको लग रहा है गलत लिख सकते हो तो गलत ना लिख के आप उसको छोड़ सकते हो, दिल्ली लिख सकते हो, अन्यथा कोशिश कीजिए आपको पता होनी चाहिए कि कौन से दिल्ली में पढ़ रहा है आपका सिविल इंटरनेशनल स्कूल, तो आप वो उसमें मेंशन करोगे। तत्पश्चात आपका विषय, विषय क्या है, जो पत्र है वही आपका विषय है, पत्र आखिर क्या है, किस चीज़ के बेस पे वो पत्र है, तो आप वो पत्र लिखोगे। जैसे यहाँ पे पत्र है शुल्क मुक्ति के लिए, तो आप लिखोगे शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। रहेगा मान्यवर, मान्यवर ना लिख के महोदय आप यहाँ लिखोगे शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, उसका लिखोगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं एक निर्धन परिवार का सदस्य हूँ, मेरे पिताजी साइकिल रिक्शा चलाकर परिवार के 5 सदस्य, मेरे पिताजी साइकिल रिक्शा चलाते हैं, परिवार में 5 सदस्य हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी जो भी आपकी ज़रूरत है, जो आपकी उस समय पे सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये मेरे परिवार को इस समय पे ज़रूरत है, और तो आप अपनी सारी कंडीशन रखोगे तभी प्रधानाचार्य आपकी बात को समझेंगे। तो आपको अपनी सारी कंडीशन के सामने रखनी है कि भाई मेरे पिताजी जो हैं रिक्शा चलाते हैं, जिसे इस यहाँ पत्र में बताया गया है कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं और परिवार में 5 सदस्य हैं, मेरा एक अन्य भाई और छोटी बहन भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रही हैं कि जो मेरा छोटा भाई है वो भी यहीं पढ़ता है और मेरी एक छोटी बहन भी है जो भी यहीं पे पढ़ती है, वह भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं, मेरे पिताजी तीनों का शिक्षण शुल्क वहन करने में असमर्थ हैं, अर्थात मेरे पिताजी हम तीनों की फीस जमा करने में शिक्षण शुल्क, मेरे पिताजी तीनों का शिक्षण शुल्क वहन करने में, अर्थात शिक्षण जो भी पढ़ाई का जो शुल्क है, जो फीस है पढ़ाई की, वो देने में असमर्थ हैं, अर्थात नहीं दे सकते हैं,
अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। और मैं आपसे क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, अतः आपसे प्रार्थना अनुरोध है या आपसे प्रार्थना है कि मुझे शुल्क मुक्ति, जो आपको ऊपर लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए आपका ये है, कि मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। मैं गत वर्ष अर्थात आप यहाँ लिख सकते हो मैं पिछले वर्ष की भांति इस कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करूँगी या करूँगा। मैं आपसे अनुरोध है कि आप शुल्क मुक्ति के लिए शुल्क मुक्ति प्रदान करें। मैं इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करूँगी या करूँगा, क्योंकि बच्चा भी दिखना चाहिए कि आप भी, अगर आपके पिताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो पढ़ाई में, तभी प्रधानाचार्य जी या फिर प्रबंधक महोदय आपकी इन बातों की तरफ ध्यान देंगे। बच्चा भी होशियार दिखाई देना चाहिए और आपकी जो समस्या है वो भी जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे आपको पत्र लिखना है। तो पत्र में सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, नंबर वन अपने सबसे पहले आपका सेवा में, तत्पश्चात आप किसको पत्र लिख रहे हो। अगर पत्र आपके प्रधानाचार्य जी को है तो वहाँ देखना है कि प्रधानाचार्य हैं, जैसे कि आपके विद्यालय में मैंने पहले बताया फीमेल प्रधानाचार्य हैं आपके, तो प्रधानाचार्य होगा, ठीक है। और महोदय शब्द का आप प्रयोग करोगे, मान्यवर का नहीं करोगे। प्रधानाचार्य जी लिखने के पश्चात आप नीचे लिखोगे अपने स्कूल का नाम, वो स्कूल कहाँ पड़ रहा है वो लिखोगे, और वो जैसे सविन इंटरनेशनल स्कूल, और सेवन इंटरनेशनल स्कूल का है जिंदपुर दिल्ली, ठीक है। तो ये सब लिखने के तत्पश्चात आप विषय लिखोगे, क्योंकि विषय जब भी आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखोगे उसमें विषय ज़रूर आएगा, क्योंकि आपकी कोई समस्या अवश्य रही होगी तभी आप वहाँ पर प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं। तो इसीलिए आप उस विषय के अंतर्गत इस बात को ज़रूर बताएंगे। तत्पश्चात मान्यवर, और फिर आप अपने कंटेंट जो भी आप लिखना चाहो अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसके लिए जो इसमें बताया गया वही लिखें। जब आपका संपूर्ण हो जाएगा, आपने जो पत्र लिखना था वो लिख चुके होंगे, उसके तत्पश्चात आप लिखोगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर जो भी आपकी कक्षा है कक्षा 4 या कक्षा 5 विद्यालय। उसी प्रकार से एक अन्य भी है, देखिए विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि TC के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र कर रहे हैं विद्यालय स्थानांतरण के लिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आपको वैसे ही करना है, अपने स्कूल का एड्रेस लिखोगे आप सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय जी या सेवा में प्रधानाचार्य जी सिविल इंटरनेशनल स्कूल चैनपुर दिल्ली 36। तो आप वो लिखोगे यहाँ पे, विषय जो आपका पत्र है वही आपका विषय रहेगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र करोगे, प्रार्थना ही करोगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। तत्पश्चात महोदय, और फिर आप लिखोगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 या आपके विद्यालय की कक्षा 4 या आपके विद्यालय की कक्षा 6, जो भी आपकी कक्षा होगी आप उस कक्षा का यहाँ पर लिखोगे कि मैं आपके विद्यालय की इस कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, सबसे पहले आप बताएंगे, क्योंकि आपको आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए इसलिए आप अपनी कक्षा का जिक्र इसमें करेंगे। आगे देखिए आप बताओगे कि मैं आपकी कक्षा में, आपके विद्यालय की कक्षा, मैंने अभी आपको बताया चाहे कक्षा 4 चाहे कक्षा 5 या चाहे कक्षा 6, जो भी आप कक्षा लिखोगे कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 4 में पढ़ता हूँ या मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ती हूँ, तथा मेरे पिताजी, आप जगह बताओगे कहाँ पर काम करते हैं। मेरे पिताजी उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ पंजाब में कार्यरत है, अर्थात मेरे पिताजी पंजाब में कार्य करते हैं और उनका स्थानांतरण अब चंडीगढ़ हो गया है,
यानी कि जिसे आप बोल सकते हो मेरे पिताजी दिल्ली में कार्यरत हैं परंतु उनका स्थानांतरण राजस्थान हो गया है या उनका स्थानांतरण हरियाणा हो गया है। वह परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। और वह हमें पूरे परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप प्रार्थना पत्र कि आप मुझे विद्यालय का स्थानांतरण पत्र देने की कृपा करें कि आप मुझे विद्यालय का स्थानांतरण पत्र देने की कृपा करें। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका धन्यवाद, धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, और फिर आप अपनी कक्षा का नाम लिखोगे, तत्पश्चात दिनांक आप जरूर लिखोगे अंत में। एक अगला देखिए, पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र। इसमें है पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र। सबसे पहले जब आप पत्र लिख रहे हो पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए, तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि या तो पिताजी से अगर पैसे मंगवाने के लिए आप पत्र लिख रहे हो तो इसका मतलब पहला क्या है कि आपके पिताजी आपके पास नहीं रहते, तभी आपको पत्र लिखना होगा ना। या फिर ऐसे ही मन कर गया पत्र लिखने का घर में बैठे बैठे, तो ऐसे नहीं होगा ना कि पत्र लिख के पैसे मंगवा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। पिताजी आप ही कहीं बाहर रहते होंगे तभी आपने आपको पत्र लिखना रहा होगा। तो आप कहाँ रहते हो आप वहाँ का एड्रेस लिखोगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे आप किसी छात्रावास में रहते हो यानी कि आप किसी हॉस्टल में पढ़ते हो और वहाँ पर आपको अपने पिताजी से पैसे मंगाने हैं आपकी फ़ीस के लिए, या फिर आपको लेके जाया जा रहा है किसी शैक्षिक भ्रमण पे अर्थात एजुकेशनल ट्रिप पे, तो आप वहाँ के लिए आप पैसे मंगवा रहे हो। तो जो भी आपकी कंडीशन है उस समय की उसको ध्यान में रख के आपको पत्र लिखना है। तो जब बेटा आप पत्र लिखोगे फीस पिताजी से पैसे मंगाने के लिए, तो ध्यान रखेंगे कि उस समय एड्रेस आपका होगा, जो एड्रेस पे आप पैसे मंगवा रहे हो आप वहाँ का एड्रेस आप अब लिखोगे कि जहाँ से आप पत्र लिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपने एड्रेस लिखा यहाँ पे, जैसे यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, मैं वो एड्रेस बता देती हूँ आपको, B432 B432 पश्चिम विहार नई दिल्ली। उसके तत्पश्चात आपने एड्रेस लिखा, वो एड्रेस कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के बाद आप दिनांक डालोगे, दिनांक लिखने के बाद क्योंकि आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो सबसे पहले आप संबोधन करोगे, आदरणीय पिताजी या आदरणीय चाचा जी, जिससे भी आप ऐसे में कर रहे हो, आदरणीय मामा जी, जिससे भी आप लिख रहे हो तो आप उनको पत्र जो, तो वहाँ पे आप आदरणीय आदर के साथ स आदर या आदरणीय पिताजी स आदर चरण स्पर्श, आदर के साथ चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ सभी सकुशल होंगे। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, मतलब आप सब पहले बताओगे ना, आप पहले भाई कि सब ठीक है नहीं है, या फिर डायरेक्ट पैसे मांगोगे नहीं ना, सबसे पहले आप बताओगे कि यहाँ सब कुछ ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर सब ठीक होंगे। मेरी प्रथम मासिक परीक्षाएं अर्थात आपकी UT1 की, मेरी प्रथम मासिक महीने की जो परीक्षाएं होती हैं, प्रथम मासिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, मुझे सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, सभी मतलब सब्जेक्ट से मुझे अच्छे अंक मिले हैं, मुझे दो पुस्तकें और कॉपियां खरीदनी हैं। अब आप कह रहे हो, अब देखो वो बिना पैसे के थोड़ा मिलेंगी है ना, आपको दो पुस्तक खरीदनी हो, मुझे दो कापियाँ और पुस्तकें, मुझे दो पुस्तकें और कापियाँ ख़रीदनी हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द 500 रुपये डाक द्वारा भिजवा दें। तो बेटा आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसा कोई पत्र लिख रहे हो तो आप पहले तो अपना एड्रेस लिखोगे, आप अपना पता लिखोगे, दिनांक ज़रूर डालोगे, तत्पश्चात जो भी आप यहाँ पे आपका विषय नहीं आएगा। जब हम पत्र अनौपचारिक पत्र लिखते हैं अर्थात जब हम अपने सगे संबंधियों मित्रों को पत्र लिखते हैं उसमें विषय नहीं आता है।
ठीक है, उसमें केवल हम अपने उनका संबोधन करते हैं, अभिवादन करते हैं। संबोधन हो गया कि जैसे आदरणीय चाचा जी, आदरणीय पिताजी। तत्पश्चात अभिवादन करोगे चरण स्पर्श करके, या सा आदर प्रणाम, साधन चरण स्पर्श। फिर उसके बाद आप अपनी बात लिखोगे, और जब आप अपनी बात लिख रहे होगे उस समय सबसे पहले आप अपनी कुशलता का उन्हें परिचय दोगे कि यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ सकुशल है, आशा करता हूँ या करती हूँ कि अब वहाँ भी सब सकुशल होंगे। अभी अभी मेरी परीक्षाएं समाप्त हुई हैं और होने के पश्चात जिसमें मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मुझे कोई दो पुस्तकें खरीदनी हैं, या हमारे विद्यालय वाले हमें कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, कोई भी ऐसी बात जो आपको लग रही हो आपको लिखनी है आप वो लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखनी है, ठीक है। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द 500 रुपये डाक द्वारा भिजवा दे माँ को चरण स्पर्श, और जो भी छोटा बहन भाई है उसको प्यार, ठीक है। माँ को चरण स्पर्श और छोटी बहन को प्यार, या छोटे भाई को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री, ठीक है, या फिर आपकी पुत्री भी लिख सकते हो, आज्ञाकारी की ज़रूरत नहीं है, आपकी पुत्री या आपका पुत्र आयुष, ऐसी ही आप यहाँ पर बेटा अपना नाम लिखेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से याद रहेगा कि आपको कैसे पत्र लिखना है। अगला देखिए, मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र देते हुए पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपने निमंत्रण पत्र लिखा है, सबसे पहले मित्र को बोल रहे हो, मैंने वो दो आपके औपचारिक रहे हैं या दो आपके अनौपचारिक पत्र रह रहे हैं, अब यहाँ आप मित्र को लिख रहे हो। फिर से मित्र को लिखोगे तो एड्रेस किसका आएगा, हमारा आएगा, वेरी गुड। उसके बाद दिनांक आएगी, उसके बाद संबोधन आएगा, फिर अभिवादन आएगा। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो मित्र को जन्मदिन पर आप उसको इनवाइट कर रहे हो अपने पर, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखिए घर का, क्योंकि आप घर पे ही होंगे अगर आप जन्मदिन के लिए इनवाइट कर रहे हो तो, ठीक है। तो आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, फिर दिनांक लिखोगे, और फिर जो भी आपका फ्रेंड है उसके बारे में अभिवादन करोगे। तो प्रिय अंकित, प्रिय अंकित करने के पश्चात आप उसका अभिवादन करोगे, सब प्रेम नमस्ते, या प्रिय अंकित से भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन अभिवादन संबोधन के बाद अभिवादन करना होता है, तो सब प्रेम नमस्ते, ठीक है। बहुत समय बाद आज तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, बहुत प्रसन्नता हुई तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह जानकर अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ। तुम्हें याद होगा कि 26 सितंबर 2020 यहाँ पे इन्होंने 2019 को बोला था, तुम्हें याद होगा कि 26 सितंबर 2019 को मेरा मतलब अब आने वाले समय में है, तो यहाँ पे आप ये जब डालोगे तो अपने आने वाले समय के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा है 26, तो यहाँ कर दीजिए 26 अगस्त 2020 को मेरा जन्मदिन है, मेरे मम्मी पापा ने सदैव की भांति इस वर्ष भी मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाने का निश्चय किया है। 26 सितंबर को प्रातः 9 बजे, यानी कि जो भी आपकी जन्मदिन की तारीख है आप उस तारीख के लिए बोलोगे, लेकिन बेटा जिसका जन्मदिन जा चुका है कृपया करके उस जन्मदिन पे ना बुला लीजिए अपने फ्रेंड को, ऐसा ना हो आपका बर्थडे जा चुका हो और तब फिर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो कि मेरा जन्मदिन 2 अगस्त 2020 को है या था, तुम ज़रूर आना। तो ऐसा नहीं करना, आपके फ्रेंड का जन्मदिन या आपका जन्मदिन अभी आने वाला होना चाहिए, या फिर डेट आप उसी के आधार पर डालोगे, चाहे चला भी गया हो, लेकिन जब आप पत्र लिखोगे तो उसमें आप आने वाले समय के लिए बात करोगे ताकि आप अपने फ्रेंड को बुला सको, ठीक है। जन्मदिन धूमधाम से मनाने का निश्चय किया है और 26 सितंबर को प्रातः मतलब सुबह 9 बजे भगवान सत्यनारायण की कथा होगी, शाम को प्रतिभोज का कार्यक्रम है। तुम पिछली बार की तरह मुझे निराश मत करना, तुम्हें इस कार्यक्रम में अवश्य ही शामिल होना है। मैंने अपने कुछ अन्य मित्रों को भी आमंत्रित किया है, आशा है इस बार तुम एक दिन पूर्व, यानी कि एक दिन पहले, मैंने इसको अंडरलाइन किया है पूर्व को, पूर्व मतलब बेटा पहले, आशा है इस बार तुम एक दिन पूर्व आकर मेरा उत्साह बढ़ाओगे। अंकल आंटी को चरण स्पर्श, और नन्ही रिया इनकी छोटी बहन को स्नेह प्रेम प्यार, तुम्हारा अभिन्न मित्र
जो अलग ना हो, तुम्हारे अंग का ही एक हिस्सा, या फिर आप लिख सकते हो तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, जो भी आपका नाम हो, जिसे मैं इसमें नाम लिखा है अंबुज, तो ऐसे ही आप कोई और भी नाम लिख सकते हो जो भी आपका नाम होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है जब आप अपने फ्रेंड को जन्मदिन पे इनवाइट कर रहे होंगे तो उस समय पर आप डेट जब मेंशन कर रहे हो, डेट दिनांक जब लिखोगे उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जन्मदिन आपका आने वाला होना चाहिए, उसी आधार पे आप उनको इनवाइट करोगे। ठीक है, और जब आप अपने मित्रों को, अपने पिताजी को, तो देखो ध्यान रखना है पत्र किस लिए लिखा जा रहा है। अगर आप पैसे मंगवा रहे हो तो इसका मतलब यह है पिताजी से, चाचा जी से, इसका अर्थ ये है कि आप वहाँ पर नहीं हो, इसलिए आपको पत्र लिखना पड़ रहा है उनसे पैसे मंगवाने के लिए। तो जहाँ भी आप रह रहे होंगे आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। किसी फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो अपने बड़े भाई की शादी के लिए, या बहन की शादी के लिए, या फिर घर में कोई कार्यक्रम है उसमें, तो उसके लिए जब आप उनको आमंत्रित कर रहे हो और पत्र लिख के आमंत्रित कर रहे हो तो आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, घर का पता लिखोगे। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके पत्र में गलतियां ना हो। बाकी तो आप सभी बहुत अच्छा पत्र लिखोगे, आशा करती हूँ आप सभी को पत्र समझ में आए होंगे और आप बहुत अच्छे से अपने पत्रों को अब लिख पाओगे जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। बच्चों, एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी कर रहे होंगे उस समय एक बात का ध्यान रखना है, जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो उसको रिटर्न में ज़रूर करना है, लिख कर तैयारी ज़रूर करनी है। बिना लिखे अगर आप सोच रहे हो कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदी भाषा आपको बोलने के साथ साथ लिखने भी आनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब आप मेहनत कर रहे हो, लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सभी बच्चों को लिख के प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप प्रश्नोत्तर याद कर रहे हो, चाहे आप व्याकरण को समझ रहे हो। व्याकरण को कम से कम आप एक वीडियो को तीन तीन चार चार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि व्याकरण आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपकी रटाफिकेशन के लिए नहीं है। आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है ताकि आप उसको समझ लीजिए। फिर जो भी प्रश्न आपके सामने आता है या आपके अभ्यास कार्य में दे रखा हो आपको उसको सॉल्व कीजिए। अगर वहाँ परेशानी हो तब आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन आपको पहले मेहनत करनी है व्याकरण के साथ। और उसी प्रकार रचनात्मक लेखन में आते हैं आपके पत्र अनुच्छेद, तो पत्र अनुच्छेद जो भी है आपके, आप पत्र अनुच्छेद के आधार पर आपके पत्र हो गया है, आपके अनुच्छेद अगली कक्षा में हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों से मैं यही बोलूँगी कि पत्रों को बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि पत्र आपका औपचारिक है या अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम किसी सरकारी कार्यालयों के या फिर अपने प्रधानाचार्य जी को, अपने से किसी, मतलब जहाँ भी हम दफ्तर में जो लिखे जाते हैं, सरकारी कार्यालयों को लिखे जाते हैं। ठीक है, आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य को आपको लिखना है, प्रबंधक महोदय जी को आपको लिखना है। ठीक है, या फिर आपको पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखना है। तो ऐसे पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, और जो पत्र हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों को लिखते हैं वो हमारे अनौपचारिक, यानी कि अनौपचारिक, जहाँ औपचारिकता नहीं होती है, जहाँ पर हम उनसे औपचारिकता नहीं दर्शा रहे होते हैं, हम अपने मित्रों से और अपने परिवार वालों से अलग से थोड़ा सा बात करते हैं, उसमें औपचारिकता ऐसी शामिल नहीं होती है। तो अनौपचारिक वाले जो पत्र हैं वो हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो इसके आधार पर थोड़ा सा चेंज होता है कि एड्रेस कहाँ का जाएगा उसका ध्यान रखेंगे, और अंत में क्या आएगा इसका कंटेंट तो बीच में आप लिख ही लोगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। जब तक आप बार बार अभ्यास नहीं करोगे लिखने का, और फिर मैं बोल रही हूँ बेटा, जो बच्चे ये सोचते हैं नेट का यूज़ करके एग्ज़ाम कर देंगे, वो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उससे आप ही लोगों की जो लिखने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता है, वो आप ख़राब कर लोगे। इसलिए किसी भी बच्चे को जितनी हो सके कोशिश खुद से लिखिए। गलती तो लिखोगे बेटा, गलत लिखिए, मेरे को दिखाइए, लेकिन गलत लिखिए, लिखिए तो सही, लिख गलत या सही वो तो बाद में होगा ना, पहले आप लिखो, खुद से लिखो। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपने से बड़ों की मदद ले सकते हो, लेकिन खुद से लिखिएगा। ओके, धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।